नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास मेहमान है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के चुनाव के बाद भाजपा ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है और उपेंद्र कुमार सिंह बिहार के उस लोकसभा सीट के मीडिया प्रभारी हैं जिस पर पूरे देश दुनिया की नजर है, वो सीट है सारण। उपेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से प्रथम चरण के बाद भाजपा जग गई है, प्रथम चरण में भी आप लोग जगे हुए थे, विपक्ष कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है, क्या तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन में 24 घंटा हमेशा हम मूल में रहते हैं। ऐसी नहीं है कि हम लोग अभी नया कोई चार्ज हुए हैं। रही लोकसभा चुनाव की, तो ये तो पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में हमारे पास कार्यकर्ताओं के लिए ये अवसर मिलता है और हमारे सारे वर्कर लगे हुए हैं उस काम में। सीधे सारण का रुख करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव को हराया, राबड़ी देवी को हराया, उनके समधी चंद्रिका राय को हराया और अब चौथी पीढ़ी आ गई। देखिए, लालू यादव की बेटी लड़ रही है, लालू खुद कैंप करके आए हैं छपरा में, क्या होगा सारण? सारण में लड़ाई है ही नहीं। सच पूछिए तो लालू यादव पूरे परिवार के साथ छपरा में कैंप कर रहे हैं और लालू वाकिफ है। इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो लहर चल रहा है, जो काम उन्होंने किया है और जिस प्रकार से सारण, जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी तरह सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी की गारंटी है। इसलिए इस बार पिछले बार की तुलना में, पिछले बार हम 1,19,000-20,000 वोटों से जीते थे, इस बार हर हालत में हम 2,50,000 वोटों से सारण की सीट जीते। लेकिन देखिए, जो सारण की लड़ाई है, रोहिणी आचार्य जो है वो लगातार रोड शो कर रही है। आज वो अमनौर विधानसभा में है, कल वो मढ़ौरा में थी, उससे पहले परसा में, गरखा में, सोनपुर में, छपरा सदर में, एक एक घर तक जा रही है और आपकी पार्टी जो है वो बूथ स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। आपको नहीं लगता है कि जो रोहिणी आचार्य है वो पूरी तैयारी के साथ आई है और वहां पर जिस तरह से लालू यादव अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर रहे हैं तो लग रहा है कि राजद के लिए बाकी सीटों पर उतनी लड़ाई नजर नहीं आ रही, लेकिन सारण को उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है? देखिए, ये तो राजद के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि एक भी छपरा की सीट के लिए कोई कार्यकर्ता उनके पास नहीं मिला। 5 वर्ष बीत जाते हैं और एक दिन एकाएक एकत्रित होकर के कोई कार्यकर्ता को आप इग्नोर करके और अपनी बेटी को ला करके चुनाव मैदान में उतार देते हैं। कार्यकर्ता भी उनके देख रहे हैं, क्योंकि लालू अपने पार्टी के सर्वे सर्वा है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर से विद्रोह है उनकी पार्टी में भी। अब बताए ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां की किसी को भी मिल सकता है टिकट, लेकिन यहां तो फिक्स है, लालू जी लड़ेंगे, उनकी बेटी लड़ेगी, समधी लड़ेगा और कोई बेटा लड़ेगा, आगे आने वाला दिन में बहू लड़ेगी। ये क्या बात है भाई? अपने को कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है राजनीति, लेकिन कार्यकर्ता को तो एक नहीं, कार्यकर्ता उसको नहीं मिला क्या वहां? और ये परिवारवादियों का जमात है आरजेडी। सारण की जनता जान चुकी है कि सारण में क्या, सारण के लोग भेंट करने के लिए सिंगापुर जाएंगे, उसके बाल बच्चे सब सिंगापुर में पढ़ते हैं। कुछ पत्रकार भाइयों ने रूढ़ी से सवाल किया कि भाई आपका एड्रेस क्या है, तो उन्होंने बताया और कहा कि यही बात अब जरा विपक्ष के जो हमारे उम्मीदवार है उनसे भी तो पूछिए कि कहाँ के है, और ये घूम फिर करके कह रही है कि सारण की बेटी है। अरे सारण की बेटी को तो घर में बैठा दिए हो, एक सम्मानित परिवार का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती को आपने घर में बैठा दिया है, क्या वो जादू समाज के लोग नहीं देख रहे हैं? लेकिन उपेंद्र जी, सारण में जिस तरह से आप लोग पूरी तैयारी के साथ है, बगल में महाराजगंज है, वहां से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, अरवल के रहने वाले हैं, महाराजगंज से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, पटना जो सीट है पटना साहिब, यहाँ से मीरा कुमार के बेटे लड़ रहे हैं, बगल में पाटलिपुत्र सीट है, वहां से लालू यादव की बेटी लड़ रही है, क्या लगता है क्यों इस तरह से आप लोग नहीं लड़ रहे, वाक ओवर दे दिया है बीजेपी को? वाक ओवर नहीं, लालू प्रसाद यादव शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चलते हैं, मोहरा अपना रखते रहते हैं हमेशा, और
इस बार के चुनाव में कुछ भी उनका चलने वाला नहीं है। उन्होंने तो सच पूछिए तो एक सीट सारण में जो भी हो आरजेडी का जनाधार रहा है सारण कमिश्नरी में, इसके चार सीट थे, लेकिन आपने देखा एक भी सीट अपने जिम्मे नहीं रखा, एक सारा ध्यान केंद्रित कर दिया है छपरा की सीट पर, और छपरा में कोई दाल गलने वाला नहीं है। लालू के कारनामे से पूरे छपरा के लोग वाकिफ हैं, तभी तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी इतनी वोटों से हार गई, समधी चंद्रिका जी हार गए पिछले बार भी, अब एक बार महाराजगंज में नहीं गलेगी, सिवान में नहीं गलेगा, पूर्णिया और काराकाट, देखिए दो जगह निर्दलीय प्रत्याशी हैं पप्पू यादव और वहां पे तेजस्वी यादव का एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें वो कह रहा है कि एक तरफ एनडीए को दीजिए नहीं देना है, महागठबंधन को तो एनडीए को दे दीजिए, क्यों? वो हार स्वीकार कर चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके वोट में बिखराव हो रहा है और हमारा जो एनडीए का गठबंधन का वोट है एक मुश्त संतोष कुशवाहा जी को मिलने वाला है, हम वहां अच्छी वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। काराकाट में क्या होगा, कौन से को काराकाट में भी कोई, देखिए भाई ये फिल्मी दुनिया से है, फिल्मी दुनिया का ग्लैमर अलग है, लोग उनके साथ जा सकते हैं, आपका कहना ही नहीं है कि राजपूत मतदाता उनकी ओर चले जाएंगे, 2 लाख से अधिक राजपूत मतदाता है, ये भ्रम में ना रहे, वहां पर हमारे राजपूत समुदाय से भी आप देख रहे हैं कि संतोष बाबू मंत्री हमारे हैं और बड़े बड़े लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, वो सब उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं, ये सब ऐसे भुगालते में ना रहे विपक्षी लोग कि पवन सिंह के जाने से राजपूत मतदाता बिखर जाएंगे, उस सीट को भी हम जीतेंगे। वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें वो कह रहा है कि एक तरफ एनडीए को दीजिए नहीं देना है, महागठबंधन को तो एनडीए को दे दीजिए, क्यों? वो हार स्वीकार कर चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके वोट में बिखराव हो रहा है और हमारा जो एनडीए का गठबंधन का वोट है एक मुश्त संतोष कुशवाहा जी को मिलने वाला है, हम वहां अच्छी वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। काराकाट में क्या होगा, कौन से को काराकाट में भी कोई, देखिए भाई ये फिल्मी दुनिया से है, फिल्मी दुनिया का ग्लैमर अलग है, लोग उनके साथ जा सकते हैं, आपका कहना ही नहीं है कि राजपूत मतदाता उनकी ओर चले जाएंगे, 2 लाख से अधिक राजपूत मतदाता है, ये भ्रम में ना रहे, वहां पर हमारे राजपूत समुदाय से भी आप देख रहे हैं कि संतोष बाबू मंत्री हमारे हैं और बड़े बड़े लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, वो सब उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं, ये सब ऐसे भुगालते में ना रहे विपक्षी लोग कि पवन सिंह के जाने से राजपूत मतदाता बिखर जाएंगे, उस सीट को भी हम जीतेंगे, और ये सब ठीक है। और एक चीज और ध्यान आपको होगा कि उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं वो वोटर नहीं, वो सब टेंडर एज के लड़का है जो अभी मतदाता नहीं है, भाजपा ने मंत्री बनाया है और कहीं भी एनडीए का जो कोर वोटर है वो किसी के आने जाने से एनडीए के सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला है। सारण से लड़ाई शुरू हुई है जहां पर उपेंद्र सिंह सोनपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और वहां के मीडिया प्रभारी भी हैं, साफ बता रहे हैं कि सारण की जो लड़ाई है इस बार हार जीत का अंतर काफी बड़ा होने वाला है और राजीव प्रताप रूढ़ी हैट्रिक लगाने वाले हैं। अब यह देखना खास होगा जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा और जिस तरह से एनडीए तैयारी में लगी हुई है बिहार में क्या अपने 39 के रिकॉर्ड को तोड़कर 40 सीट जीत पाती है, यही देखना खास होगा।